अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया एप्लीकेशन ऑफ डायोड एज रेक्टिफायर हाफ वेव एंड फुल वेव तो अब हम आगे दो प्रोसेसेस की तरफ जाएंगे दैट इज जीनर ब्रेक डाउन एंड एवरलॉन्च ब्रेक डाउन लेकिन उससे पहले हम छोटी एक दो डेफिनेशन देखेंगे जैसे हमारे पास एक डेफिनेशन है स्टैटिक रेजिस्टेंस स्टैटिक रेजिस्टेंस ऑफ ए डायोड। डायोड की स्टैटिक रेजिस्टेंस क्या होती है एज वी नो दैट रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज विद करंट तो स्टैटिक रेजिस्टेंस का दूसरा नाम जो होता है दैट इज डीसी सी रेजिस्टेंस डीसी रेजिस्टेंस इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ डी वोल्टेज विद डी या डायरेक्ट करंट रेशो ऑफ डी सी वोल्टेज विद डी सी डायरेक्ट करंट दैट इज कॉल्ड एज दैट इज नोन एज स्टैटिक रेजिस्टेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर एस इसी तरह से दूसरी रेजिस्टेंस होती है डाउड की दैट इज कॉल्ड एज डायनामिक रेजिस्टेंस डायनामिक रेजिस्टेंस और उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन वोल्टेज दैट इज डेल्टा वी इसका रेशो निकालना है विद स्मॉल चेंज इन करंट दैट इज़ डेल्टा आई दिस इज़ कॉल्ड एज आर डी दैट इज़ डायनमिक रेजिस्टेंस तो डायनमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड कैन बी डिफाइंड एज रेशो ऑफ स्मॉल चेंज इन वोल्टेज विथ स्मॉल चेंज इन करंट अब हम बात करेंगे दो प्रोसेस के बारे में विच आर कॉल्ड एज ब्रेक डाउन एक ब्रेक है उसका नाम होता है दैट इज कॉल्ड एज एवलॉन्च ब्रेकडाउन एंड अनदर ब्रेकडाउन इज कॉल्ड एज जीनर ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन पर जो डायूड काम करता है दैट इज कॉल्ड एज जीनर डायूड दैट इज कॉल्ड एज जीनर डायूड और नॉर्मल पीएन जंक्शन जो है उसमें कौन सा ब्रेक डाउन होता है नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड उसमें कौन सा ब्रेक डाउन होता है एवलॉज ब्रेक डाउन अब इनमें डिफरेंस हम कैसे समझेंगे इसके लिए हमें ज़रूरी बनानी है डायग्राम्स दो वन फॉर नॉर्मल डायोड एंड वन फॉर जीनर डायोड यह हमारे पास दो डायग्राम्स है लेफ्ट साइड पे जो डायोड है ये वाला दिस इज़ नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड जिसमें लेवल नॉर्मल है ठीक है तो पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स हैं एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं जबकि जो राइट right साइड वाला डायोड है दिस इज जीनर डायोड, दिस इज़ जीनर डायोड इसमें डोपिंग लेवल जो है दैट इज़ हैवी तो जीनर ब्रेक डाउन जहाँ पर होता है उस केस में डायड के अंदर जो डोपिंग लेवल है दैट इज़ क्विट हाई यहाँ पर डोपिंग कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है तो इसीलिए पी में जो नंबर ऑफ होल्स है वो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डायोड ज़्यादा होगा और एन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी नॉर्मल डायोड के इलेक्ट्रॉन्स से ज़्यादा होगा ठीक है तो एक फ़र्क तो ये है नॉर्मल डायोड में और जीना डायोड में कि नॉर्मल डायोड में डोपिंग लेवल इज़ नॉर्मल या जनरली लो एंड इन जीना डायोड डोपिंग लेवल इज़ क्वाइट हाई अब क्या होगा ये है जब आपने पी और एन टाइप मटेरियल को क्लोज लाया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जाएगा होल के साथ रिकम्बाइन हो गया इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा होल के साथ रिकम्बाइन होगा इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा होल के साथ रिकम्बाइन होगा ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा होल के साथ रिकम्बाइन होगा तो यहाँ पर ये यह जो रीजन बन गया ये जो रीजन बीच में बन गया अब इसमें कोई चार्ज कैरियर नहीं होगा और इस रीजन का नाम क्या क्या हो पड़ेगा डेप्लीशन रीजन जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है तो दिस इज दिस इज़ डेप्लीशन रीजन ठीक है अब यहां पे देख लीजिए यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इज वेरी हाई ठीक है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा होल के साथ रिकम्बाइन होगा इसी तरह से यहां पे यहां पर पे, पे, तो यहां पे ये यह जो रीजन बनेगा दिस रीजन विल बी डेप्लिशन रीजन लेकिन यहां पे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हाई है एज ए रिजल्ट जो जीनर डायर के केस में डेप्लीशन रीजन जो है वो बहुत स्मॉल होगा दैट इज क्वाइट स्मॉल एंड इन केस ऑफ नॉर्मल पी एनजक्शन डायूड जो डिप्लिशन रीजन है वो थिक है क्वाइट थिकर है देन जीनर डायूड ठीक है अब जब डिप्लिशन रीजन यहाँ पर बनता है तो इस साइड कौन सा ये चार्ज रहता है पॉजिटिव और इस साइड क्या नेगेटिव ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है क्योंकि जो एन टाइप या एन रीजन है इसमें डोनर रहते हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया ठीक है उन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया, दिया वो किसने लिया एक्सेप्टर ने इधर ठीक है तो जिसने इलेक्ट्रॉन दिया वो डेवलप करेगा पॉजिटिव चार्ज और इधर रहेगा नेगेटिव चार्ज तो ये ये जो रीजन है इसके एक साइड पर पॉजिटिव एक साइड पर नेगेटिव तो रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा ठीक है ऐसे ठीक है और पोटेंशियल बैरियर सेटअप होगा ये हमने ऑलरेडी ये बातें की है ठीक है और एक बात जो हमने मैंने पहले ही बताया कि डिप्लीशन रीजन की विर्थ यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे डिप्लीशन रीजन की विथ कम है हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा है कि ई इज़ इक्ल टू वी अपॉन डी ई इज इक्वल टू वी अपॉन डी पोटेंशियल बैरियर जितना नॉर्मल डाइड में होगा उतना ही जीना डायड के केस में भी होगा लेकिन जो पोटेंशियल जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर यह यहाँ पर ज़्यादा गैप पर फैला हुआ है ज़्यादा डिस्टेंस पर फैला हुआ है यानी कि डी ज़्यादा है नॉर्मल डाइड के केस में डी ज़्यादा है इलेक्ट्रिक तो फील्ड कम होगा जीना डायोड के केस में ये जो डिस्टेंस है ये जो वेड़थ है ये डी ये कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डेप्लीशन रीजन के अक्रॉस किस डायोड के केस में जीना डायोड के केस में देन इन नॉर्मल पी जंक्शन डायोड अब हम क्या करेंगे अगर हम दोनों डायोड्स को रिवर्स बायस करेंगे रिवर्स बायस करेंगे यानी कि पी रीजन को कनेक्ट करेंगे किसके साथ नेगेटिव टर्नल ऑबैट्री एंड एन रिजन इज़ कनेक्टेड टू पॉस्ट इटर्नल ऑबैटरी ठीक है पॉस्ट इटर्नल बड़ा होता है ठीक है ये नेगेटिव इसी तरह से इस डायोट को भी रिवर्स बायस करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव ठीक है दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव तो बोथ द डायोड्स आर रिवर्स बायस्ट बोथ द डायट्स आर रिवर्स बायस्ट अब यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर्स भी होंगे जैसे पी रीजन है यहाँ पे हमारे पास पी रीजन में माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है यहाँ पे, ठीक है अब क्या होगा जब आपने रिवर्स बायसिंग की यानी कि ये नेगेटिव पोटेंशियल जो है इससे ये इलेक्ट्रॉन्स और आपने रिवर्स बायस को हाई किया अब आप रिवर्स बायस बढ़ा रहे हो ठीक है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अंडर रिवर्स बायस ये एनर्जी गेन करेगा जब आप रिवर्स बायस बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो तो ये हाई काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा ये इधर जाएगा इस रीजन में रीजन के अंदर जाएगा क्योंकि ये कनेक्टेड है पी रीजन कनेक्टेड है किसके साथ नेगेटिव टर्मिनल और बैटरी के साथ तो ये नेगेटिव जो है नेगेटिव टर्मिनल का जो पोटेंशियल है ये रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को डिप्लेशन रीजन की तरफ विद हाई काइनेटिक एनर्जी जब ये हाई काइनेटिक एनर्जी से आगे जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे जो डिप्रेशन रीजन में जो एटम्स हैं सिलिकॉन के एटम्स या सिलिकॉन सिलिकॉन एटम्स के भी जो बॉन्ड्स हैं या सिलिकॉन और डोपिंग वाले एटम्स के भी जो बॉन्ड्स हैं उनके साथ उनमें बॉन्ड्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ इस फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होगा <k Haz domestik> जब कोलिजन होगा तो वहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यानी कि सपोज जब कोलिजन हो गया तो इसने एक या दो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस किए वो दो इलेक्ट्रॉन्स अंडर हाई काइनेटिक एनर्जी आगे और एटम्स से टकराएंगे तो और इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेंगे यानी कि दो से चार बनेंगे चार से आठ बनेंगे आठ से सोलह बनेंगे तो देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू ब्रेक ऑफ ड्यू टू कोलिजन ऑफ दिस फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन विद एटम्स इन डिप्लीशन रीजन ठीक है तो इससे क्या होगा वेरी कोलिजन uh, से क्या होगा जब बहुत कोलिजन्स की रेट जो है वो बहुत बढ़ जाएगी तो इससे टेम्परेचर जो है इस रीजन का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और नॉर्मली स्पीकिंग ये डायोड जल जाएगा बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर तो इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा दिस ब्रेक डाउन इज कॉल्ड एज एवोलॉन्च ब्रेकडाउन एवलॉन्च यहाँ पर पैदा हो रहा है यानी कि बहुत हाई कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ रही है कैसे बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद एटम्स तो ड्यू टू दिस हाई टेम्परेचर हाई हीट इज़ वेरी मच लार्ज हीट इज जनरेटेड एंड द डायोड गेट्स डैमेज दिस ब्रेक डाउन इज कॉल्ड लेस ब्रेकडाउन ब्रेक डाउन अब आ जाए जीना डायोड के केस में ऐसा नहीं होता है कि आपने रिवर्स बायस लगाया रिवर्स बायस को आपने बढ़ाया भी तो ये यहाँ पर ऐसा नहीं होता है क्यों ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये जो पी पी रीजन है इसमें माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स होंगे ये ये मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होंगे और माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे जैसे एक इलेक्ट्रॉन मैंने बनाया यहाँ पे या एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ठीक है तो जब आपने रिवर्स बायस को बढ़ाया इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिल गई ये आगे गया ये जब डिप्लिशन रीजन में जाएगा ये इलेक्ट्रॉन जब डिप्लीशन रीजन में जाएगा तो डिप्लीशन रीजन यहाँ पर थिन है यहाँ पे थिन है नॉर्मल डायोड के केस में डेप्लिशन रीजन क्या था थिक यहां पे क्या है थिन अगर यहां पे थिन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन विद एटम्स इज लेस विद एटम्स इज लेस तो क्या होगा अगर कोलिजन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है ठीक है तो वैसे तो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट नहीं होंगे लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो ये रिवर्स इलेक्ट्रिक ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ऊपर से आपने रिवर्स बायस भी लगाया तो यहाँ पे डिप्लिशन रीजन की जो थिकनेस है वो बहुत कम है थिकनेस बहुत कम है और ऊपर से आप रिवर्स uh, बायस को बढ़ा रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे हो थिकनेस कम है तो एज अ रिजल्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड है डिप्लिशन रीजन में किस केस में जीना डायोड के केस में वो बहुत ज़्यादा होगा जब वो बहुत ज़्यादा होगा तो बिकॉज ऑफ रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो डिप्लेशन रीजन में बॉन्ड्स हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे वो जब ब्रेक हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट हो जाएंगे जब इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट हो जाएंगे तो दियर विल बी इंक्रीज एब्रप्ट इंक्रीज इन करंट ठीक है लेकिन उस इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होने से क्योंकि कोलिजन्स तो नहीं हुए तो यहाँ पे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो हीट प्रोड्यूस नहीं होगी हीट प्रोड्यूस नहीं होगी तो यहां पे कोई डा, डायोड का बर्निंग का केस नहीं है ठीक है तो ये डायोड काम करेगा ये डायोड काम करेगा विदाउट बींग बर्न तो देयर विल बी लार्ज इंक्रीज इन करंट विदाउट एनी चेंज इन वोल्टेज विदाउट एनी चेंज इन वोल्ट तो दिस टाइप ऑफ ब्रेक डाउन इज कॉल्ड एज जीनर ब्रेक डाउन इट टेक्स प्लेस इन केस ऑफ जीनर डायोड वायर डोपिंग इज हाई वायर डोपिंग इज ठीक हाँ, है अब अगर हम वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ जाएंगे तो ग्राफ हम बनाएंगे हमने ऑलरेडी पढ़ा है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर डायोड इन रिवर्स बायस रीजन तो मैं नॉर्मल के लिए भी ड्रा करूंगा और जीना डायोड के लिए भी ड्रा करूँगा डायग्राम हम बनाएंगे पहले ये हमारे पास सपोज इधर हम वोल्टेज का वैल्यू लेंगे और इधर नीचे करंट का वैल्यू ये रिवर्स में है रिवर्स बायस में इसलिए हम थर्ड क्वाड्रेंट ले रहे हैं तो जैसे जैसे आप रिवर्स बायस बढ़ा रहे हो जैसे जैसे आप रिवर्स बायस बढ़ा रहे हो तो रिवर्स करंट में कोई ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है ठीक है फिर जैसे ही ब्रेक एवलॉन्च ब्रेकडाउन हो गया ठीक है तो फिर क्या होगा शार्प इंक्रीज इन करंट होगा ऐसे ठीक है तो दिस वोल्टेज एट विच ब्रेक डाउन एवलॉच ब्रेक डाउन टेक्स प्लेस दिस इज कॉल्ड एज वी बी ब्रेक डाउन वोल्टेज ब्रेक डाउन वोल्टेज अब यही वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको जीनर डायोड के लिए ड्रॉ करनी है तो क्या होगा ये लाइन जो है ऐसे ही चलेगी यानी कि आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हो रिवर्स करंट बहुत कम बढ़ रही है तो ऐसे ही चलेगा ऐसे ही चलेगा और यहाँ पे ही यह जाएगा नीचे यानी कि ब्रेक डाउन जो है वो पहले होगा किस केस में जीना डायोड के केस में और जिस रिवर्स वोल्टेज पर यह ब्रेकडाउन होगा जीनर ब्रेकडाउन जो कि हमने पढ़ा डैट वोल्टेज इज कॉल्ड इसको जीनर वोल्टेज डिनोटेड बाई वी जेड जबकि एवलांज ब्रेक डाउन होता है एट ब्रेकडाउन वोल्टेज वी बी ऐसा क्यों हो रहा है जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पे जो डिप्रिशन रीजन है वो वाइड है यहाँ पे विड्ड ज़्यादा है रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस यहाँ पे रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा है तो इसलिए ब्रेक डाउन अराइवस अर्लियर इन केस ऑफ जीना डायोड देन नॉर्मल डायोड तो फिर जब ब्रेकडाउन हो गया एक बार तो शार्प इंक्रीज इन करंट होता है अब एक प्रॉपर्टी है यहाँ पर जीना डायोड की कि ब्रेकडाउन होने के बाद जीनर वोल्टेज पर जब हो आप हो तो उसके बाद जो करंट है दैट इंक्रीजेस आई इंक्रीजेस विदाउट एनी चेंज इन वोल्टेज यानी कि जो रिवर्स वोल्टेज है उसमें अगर कोई चेंज नहीं होगा यानी कि कोई चेंज ना होने के बाद भी जो है करंट है वो एब्रप्ट इंक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब कांस्टेंट वोल्टेज पे करंट बढ़ रही है कांस्टेंट वोल्टेज पे करंट बटर ये किस केस में जीना डायोड के केस में इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम जीना डायोड को यूज कर सकते हैं एज वोल्टेज रेगुलेटर यानी कि यह हमें दे सकता है कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट विच इज़ रेगुलेटेड ठीक है तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जीनर ब्रेकडाउन एंड एवलांच ब्रेकडाउन थैंक यू